So good morning riders, my name is Raghav and I am a product leader in Nomo Bikes, and today we are going to show you how you can assemble your bike at own place with your own hand. So बहुत सारे लोगों को ये दिक्कत होती है कि जब वो साइकिल बॉक्स के थ्रू मंगाते हैं तो उन्हें बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है कि वो ये चीज़ कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, लेकिन सच बताएं तो उस बॉक्स के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसका इस्तेमाल करके आप अपनी बाइक को खुद ही अपने हिसाब से असेंबल कर सकते हैं। हम इस पूरे सीरीज़ में ऑलरेडी दो वीडियोज़ बना चुके हैं, अभी हमारी तीसरी वीडियो है जो कि हम इको मॉडल के साथ आ रहे हैं। तो अगर आप अपने घर पे ओमो बाइक्स की इको मॉडल ऑर्डर करते हो और अगर आप उसको असेंबल करना चाहते हो तो हम यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप वो इको मॉडल असेंबल करके दिखाएंगे ताकि आपके दिमाग में किसी तरह का कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो गाइस, जब भी आप अपने घर पे साइकिल मंगाते हैं और जब अपना बॉक्स आप ओपन करते हो तो आपको दो चीज़ों से ज़्यादा कुछ नहीं मिलता। कभी कभी उसके अंदर मडगार्ड मिल जाता है आपको, लेकिन वो इस किट के अंदर होता है। तो जब भी आप बॉक्स के अंदर साइकिल निकालेंगे आपको पूरी एक साइकिल बंधी हुई एक यूनिट में जिप टाई के थ्रू बाहर निकलेगी, और दूसरा मिलेगा ये किट जिसके थ्रू आप अपनी साइकिल को असेंबल कर सकते हो। तो आइए पहले देख लेते हैं इस किट के अंदर क्या है। और सबसे पहला काम कीजिए, आप अपना किट ओपन कीजिए। एक मैनुअल, एक लॉक एज ए गिफ्ट, एक अलॉय पैडल और एक मल्टी सॉकेट रिंच जो कि टेम्प्रेरी होता है, एक 5 नंबर 6 नंबर एलन की। ये सारी चीज़ें इसके अंदर अवेलेबल होती हैं। और जब भी आप अपनी साइकिल को रेडी कर रहे होते हो तो हमेशा अपने साथ कोई शार्प चीज़ रखा कीजिए, चाहे वो नाइफ हो, चाहे वो आपका सीजर हो, ये सब चीज़ें अपने साथ रखें क्योंकि जिपटाई को काटना पड़ता है। तो अगर आप मेरी बात करेंगे तो मेरे पास हमेशा एक पॉकेट नाइफ होता है कुछ ऐसा, को आसानी से धीरे से कट कर लीजिए, आप ध्यान से कीजिएगा ताकि आपको कहीं लग न जाए। अब जैसे ही आपने सारी जिप टाइज हटा ली, मेक श्योर एक भी जिप टाइज आपके पास कहीं पे भी लगी नहीं है, ठीक है। तो अब आ जाते हैं स्टेप नंबर 1 पे। स्टेप नंबर 1 होता है हमेशा सैडल लगाइए। फिर से बताता हूँ, ऑलवेज रिमेम्बर, हमेशा सैडल पोस्ट को सबसे पहले लगाते हैं, ठीक है, सिर्फ जो कि ऑलरेडी इस पर लगा हुआ है। और उसके बाद आता है आपका हैंडल बार, व्हील को हम थोड़ा ख्याल रख देते हैं। ये एलन की जिसमें 5 नंबर है, और कभी भी अगर आपने बच्चों की साइकिल ऑर्डर करी है तो बच्चों को हमेशा अपने साथ रखें। इवन अपनी साइकिल पर अगर असेंबल कर रहे हैं तो बच्चों को हमेशा साथ में रखें। इससे क्या होता है कि उन्हें अपनी साइकिल में काफ़ी सारी नई चीज़ें सीखने को, देखने को, और एक इंटरेस्ट पैदा हो जाता है जिससे बच्चे अपनी साइकिल का ख्याल रखना सीख जाते हैं। पूरा खोलने की जरूरत है, कभी कभी ये ट्विस्ट हो जाता है, इस पर ध्यान देने वाली चीज़ है। और एक बात हमेशा याद रखिए, जब भी आप असेंबल कर रहे होते हैं ये हमेशा नीचे की तरफ होता है, यानी 30 डिग्री का एंगल बनना चाहिए इसके अंदर। इससे क्या होता है कि कलाइयों को आराम मिलता है। अगर आप लीवर ऊपर की तरफ रख देंगे तो इसमें आपकी कलाई में दर्द होना शुरू हो जाएगा और आपको लगेगा साइकिल की टेक्निकल चीज़ में कोई प्रॉब्लम आ गई है या साइकिल ही ख़राब है। कई बार ऐसा नहीं होता। क्योंकि ये कम्फर्ट पॉस्चर होता है, नेचुरल पॉस्चर। थोड़ा थोड़ा ऊपर, थोड़ा थोड़ा नीचे, एक साथ पूरा ऊपर नहीं, एक साथ पूरा नीचे नहीं। इससे क्या होता है कि सही से ही बैठा है। डन, सैडल हो गया और सेकंड स्टेप हो गया आपका हैंडल बार, दो स्टेप कंप्लीट। अब इससे क्या होगा कि आपकी साइकिल को एक नेचुरल स्टैंड मिल जाएगा जिससे आपके बाकी के काम आसान हो जाएंगे। एंड वी कॉल, मेरा ग्रिप देख लीजिएगा, एक यहाँ पकड़ेगा, एक यहाँ, जैसे ही आप लिफ्ट करोगे ये अपने आप ऐसे। अब ये हमें मिल गया साइकिल का नेचुरल स्टैंड, और
हमें यहाँ से इसको अलग करना है। जो आपका बोल्ट है उसको थोड़ा सा फैला लीजिएगा दोनों तरफ से, अलग अलग कर लीजिएगा ऐसे करके। और ये आपका, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे एक हैंगर है, इस हैंगर को लूज कर लीजिएगा ताकि व्हील के जाने के लिए जगह बन सके। आप जिस तरीके से मेरे को असेंबल करते हुए देख रहे हैं ये उतना ही आसान है। इसमें आता है 15 नंबर जो कि आपके बोल्ट में सेट होगा। अच्छे से टाइट कर लीजिएगा ताकि इसमें कोई गुंजाइश ना रहे कि इसको ढीला छोड़ रखा है। ये अच्छे से हो गया। और अब आ जाते हैं लास्ट स्टेप जो कि है आपका पैडल। मैं एक चीज बहुत स्लोली दिखाना चाहता हूँ। अगर आप पैडल देखोगे तो पैडल में एक राइट होता है, एक लेफ्ट होता है। अगर आप राइट और लेफ्ट दिखाई नहीं दे रहा, लिखा हुआ नहीं है, तो हमेशा पैडल का ग्रिप देखिएगा। ये वाला जहाँ पे रिंच फताते हैं, एक होता है स्मूथ और एक होता है लाइनिंग। तो जिसमें लाइनिंग बनी रहती है वो लेफ्ट का होता है और जो स्मूथ होता है वो राइट का होता है। तो आइए इसको कर लेते हैं। एंटी क्लॉकवाइज घुमाइएगा आप इसको। एक दो थ्रेड अगर फंस जाए उसके बाद कोई टेंशन नहीं, ये फंस गया, ऐसे ही आप इधर की तरफ आ जाइए। ये मैंने वो तरीके बताए जो आप घर के अंदर आसानी से अपनी बाइक को असेंबल कर सकते हैं। ये भी आ गया। अब दोनों थ्रेड चढ़ चुके हैं और हम इसमें फंसाएंगे 15 नंबर बहुत ही प्यार से, और इसको घुमाते चले जाएंगे एंटी क्लॉकवाइज तब तक जब तक ये पूरा टाइट नहीं हो जाए। पहले मैं यहाँ पे एक चीज़ और एड ऑन करना चाहूँगा कि जब भी नया पैडल आता है वो ऑलरेडी लुब्रिकेटेड आता है, यानी उसके अंदर ग्रीस या लुब्रिकेशन लगे रहते हैं। जब ये पूरा टाइट हो जाए तो आपको कुछ नहीं करना, आप टायर होल्ड करो और इसको अच्छे से टाइट कर दो। सेम यही चीज़ हम यहाँ पे भी करेंगे। घुमाते रहिए घुमाते रहिए घुमाते रहिए। अब देखिए मैं क्यों बोल रहा था टायर को होल्ड करने के लिए, कि जब भी आप इसको टाइट करने की कोशिश करोगे ना ये टायर घूमेगा, जहाँ पकड़ोगे तो चोट लग सकती है। तो आप टायर सबसे सेफ साइड होता है, टायर पकड़िए और इसको हल्का सा टाइट कर दीजिए। डन। फिर से वही ग्रिप मेरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ ग्रिप यहाँ ग्रिप। जैसे ही आप इसको लिफ्ट करोगे ये अपने आप सीधा हो जाएगा ऐसे। ये देखिए बहुत ही प्यार से, मतलब अगर आपका ग्रिप गलत हुआ तो आपको साइकिल को अपसाइड डाउन करने में काफ़ी दिक्कत हो सकती है। एंड वन ऑफ द मोस्ट फाइनल बट इम्पॉर्टेंट स्टेप इज ये आपका हैंगर। इस हैंगर को लगाना मत भूलिएगा दोबारा। ये हैंगर आपकी लग गई एंड नाउ योर बाइक इज सो नाउ योर बाइक इज टोटली रेडी। अपनी सीट हाइट को अपने कमर के हाइट के हिसाब से आप ऊपर करके टाइट कर दीजिएगा, आपकी बाइक पूरी तरह से रेडी हो जाएगी। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, बट स्टिल यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन प्लीज कॉमेंट बिलो। Our team is love to help you out. Meanwhile, ride hard and ride safe. Thank you very much.